हेलो, दिस इज़ फैट सर हियर. वेलकम यू ऑल टू स्टडी फ्रॉम होम. टुडे वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ क्लास 5 चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर रिवीजन, आई वांट टू टेल यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग योर क्लास 5 EVS क्वेश्चन पेपर दैट विल बी गिवन ऑन सैटरडे. तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको उस नोटबुक में लिखने हैं. तो जैसा कि 3 पेपर यानी 3 क्वेश्चन पेपर फिनिश हो गए हैं, तो आपको पता ही है दैट के किस तरीके से लिखना है. लेकिन फिर भी मैं बता दूं दैट के जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ है हिंदी का, देन उसके बाद आपको एक या दो पेज आपको क्या कर देने हैं, लीव कर देने हैं. फिर उसके बाद नए पेज से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है. तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या दोगे, हेडिंग दोगे क्लास 5 EVS. उसके बाद नीचे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करोगे. सपोज़ कि आपका क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट है, राइट, तो आपको हेडिंग देना है क्वेश्चन 1 चूज द करेक्ट आंसर. फिर उसके बाद उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो क्वेश्चन नंबर आपको यानी वो क्वेश्चन आपको लिखने नहीं हैं. अब वहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर ही देना है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आता है A, B, C, D, उसमें से चाहे कोई भी आंसर आता है वो आंसर आपको उसके सामने सिर्फ लिखना है, क्वेश्चन कॉपी करना नहीं है. सेम वे अगर ये फिनिश होता है, दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ क्या देना है, हेडिंग ही देनी है क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के नंबर देने हैं नंबर 1, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को कॉपी करनी नहीं है, सिर्फ उसके जो आंसर है वो आंसर ही आपको क्या कर देने हैं, लिखने हैं, राइट. लाइक दिस यू विल हैव टू राइट इन योर नोटबुक फॉर द सब्जेक्ट ऑफ क्लास 5 EVS. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. यानी ये चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है और आपके जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट सारे क्लियर ही होंगे, राइट, आई जस्ट होप दैट. लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करते हैं एज अ रिविज़न पर्पज़. तो मैं थोड़ा इसमें क्या जाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा, यानी लाइन टू लाइन नहीं, लेकिन पर्टिकुलर पैराग्राफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो थोड़ा आपको बतलाते जाऊँगा. सो लेट्स स्टार्ट. डिफरेंट टेस्ट, यानी झम्बा एक लड़की है जो किचन में भागती हुई जाती है, राइट, कि जिसको करेला खाना क्या नहीं पसंद, करेला खाना पसंद नहीं है, राइट. तो उनकी जो मम्मी है वो उनको बोलते हैं डैड कि आपने सुबह में ही यानी स्वीट चीज़ खाई थी, राइट. तो जो जूलन है उसकी फ्रेंड है वो उसको क्या करती है, टीज करती है यानी चिढ़ाती है डैड कि आप किस तरीके से एक ही तरीके का टेस्ट एक ही तरीके के टेस्ट का खाना क्या करते हो, खा सकते हो. देन झम्पा उसको कहती है डैड कि क्या आपको अगर इमली दी जाए तो आप रोज़ाना नहीं खाओगे, राइट. तो जूलन कहती है डैड कि हाँ मैं खाऊंगी तो सही, लेकिन उसके साथ साथ मैं डिफरेंट चीज़ों को भी खाती हूँ. यानी यहाँ पे एक तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको सिर्फ एक ही तरीके का खाना सिर्फ पसंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के जो फूड आइटम्स होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यानी हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में से क्या होती है, मिलती है. सो पर्टिकुलर एक ही चीज़ को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर तरह की चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे हमारी जो एक तरीके से हेल्थ है वो हेल्थ कैसी रहे, हेल्दी रहे. नाउ सो इसी तरीके से उनके बीच में एक गेम होती है, राइट. तो जो गेम होती है उसमें सबसे पहले तो क्या होता है, जूलन झम्पा की आइज को क्लोज कर देती है. फिर उसके बाद जो फूड आइटम्स होती है या फिर जो खाने की कुछ चीज़ें होती है वो क्रश करके क्या करते हैं, डालते हैं, राइट.
लेमन के जो कुछ ड्रॉप्स होते हैं वो झम्पा के मुंह में डालते हैं, लेकिन आंख बंद होने के बावजूद भी झम्पा को पता चल जाता है डेट के वो कौन सी फूड आइटम है। लेकिन फिर गेम का लेवल एक तरीके से आगे बढ़ा के क्या होता है कि नाउ जूलन झम्पा को कहती है डेट के अब आप क्या कर दो, अपना नोज को, अपने नोज को क्या कर दो, बंद कर दो, और फिर उसके बाद मैं अगर फूड आइटम्स आपके मुंह में रखूंगी तो आपको क्या करना है, आंसर देना है डेट के वो कौन सी चीज़ है, राइट। तो जैसे ही यानी नोज बंद होता है फिर झूलन जो चीज़ उस झम्पा के मुंह में रखती है तो झम्पा को पता चलता नहीं है डेट के वो कौन सी आइटम है, राइट। फिर दूसरी बार वो कहती है डेट के दूसरी बार भी यानी रखो, राइट, लेकिन फिर भी झम्पा को पता चलता नहीं है, राइट। और फिर बाद में वो नोज़ को क्या कर देते, आइज़ को भी यानी खोल देते हैं और नोज़ को भी क्या करते हैं, खोल देते हैं और फिर देखते हैं, देन एक्चुअली में जो चीज़ जो झम्पा को खाने के लिए दी गई होती है वो क्या होती है, बिटर करेला होता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है डैट कि जब हम खाने पीने की चीज़ें खाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा नोज़ है, राइट, वो भी एक तरीके से हमें क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन द सेंस खाने के लिए नहीं, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं वो खाने की चीज़ें अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर अगर वो बीटर है या फिर स्वीट है या फिर शॉर्ट है तो उसके जो स्मेल से हमें पता चल जाता है, राइट। सो एक तरीके से जब नोज़ बंद होती है देन हम क्या नहीं कर पाते, यानी चीज़ें अगर बीटर है या फिर नहीं है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते नहीं है। नाउ सो डिस्कस में तो एक आम से क्वेश्चन दिए गए हैं कि कब आपके मुंह में पानी आता है, देन आपकी जो फेवरेट फूड्स होती है तब आपके मुंह में पानी आता है, राइट। क्या आपको एक ही तरीके का खाना पसंद है, जनरली हमें एक ही तरीके का खाना पसंद नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसको हम पसंद करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू कैन ईजीली आंसर। सो हम आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ, एक क्वेश्चन ये है दैट कि हाउ डिड झम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश। अब कुछ चीज़ें ऐसी है, राइट, के जो अगर कुक्ड होती है तो फिर उसके बाद उनकी क्या आती है, स्मेल आती है, जैसे कि एग्स है, राइट, फिश है, इवन सम हाउ हम कह सकते कि कहीं पे अगर मीट बन रहा है, मटन बन रहा है, राइट, देन उसकी भी स्मेल हमें क्या होती है, बड़ी अच्छी तरीके से आती है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट कि ये पर्टिकुलर कौन सी चीज़ क्या हो रही है, बन रही है, राइट। नाउ क्लोज योर आइज एंड टेल, राइट। अब यहाँ पे आपको ये समझाया गया है दैट कि आपके यानी जो मुंह में जो टंग है, राइट, उस टंग के कौन से पार्ट के ऊपर कौन सा टेस्ट आपको क्या होता है, महसूस होता है, राइट। सो ये एक्टिविटी अगर आपने की होगी तो आपको पता ही होगा, राइट, लेकिन अगर नहीं की है देन लेट मी टेल यू दैट के कौन सी चीज़। तो जनरली जो अपर पार्ट है जो यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बीटर टेस्ट रहता है, राइट, यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वहाँ पे शॉर्ट टेस्ट, एंड उसके बाद में यानी जो नीचे ये लाइन की गई है वहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, सॉल्टी टेस्ट आता है, क्लियर। एंड द लास्ट वन जो नीचे वाला है वहाँ पे कौन सा टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट आता है, क्लियर वन, राइट। सो ऑलमोस्ट ये जो भी मैंने नेम आपको दे दिए हैं तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इसमें, राइट, और जो चीज़ें यहाँ पे बतलाई गई है जो आपके नॉलेज के लिए है वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बतला दिया एज
कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेनेशन में आपको बतला ही दिए हैं, राइट। सो इसके क्वेश्चन के आंसर मैंने एक तरीके से आपको शॉर्ट में दे दिए हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट के कौन से पार्ट में कौन सा टेस्ट आता है या फिर चीज़ों को कहाँ पे रखने से हमें पता चलता नहीं है। सो अब यहाँ पे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देन यहाँ पे ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट ऑन ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, यानी इन जगहों को छोड़ के दूसरी जगहों पे आपको क्या रखनी है, फूड आइटम रखनी है, देन अंडर द टंग, राइट। तो यानी जो हमारी टंग है उसके नीचे, या फिर हमारे लिप्स के ऊपर, या फिर ऑन द रूफ ऑफ अवर माउथ, यानी हमारे माउथ के रूफ के ऊपर। सो डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे हमें कोई टेस्ट आने वाला नहीं है जब तक के वो फूड आइटम हमारे टंग के ये किसी पार्ट को क्या ना करे, टच ना करे। क्लियर दिस, राइट। नाउ अब एक बहुत ही अच्छा यानी चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है दैट के पहले सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी टंग का ये पार्ट है उसको क्या कर देना है, एक अच्छे क्लोथ से वाइप कर लेना है ताकि उसके ऊपर जितना भी यानी जो एक तरीके से लिक्विड मटेरियल है वो क्या हो जाए, बिल्कुल ही क्लीन हो जाए। फिर उसके बाद उसके ऊपर चीज़ें रखनी है, तो फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है दैट के क्या आप उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली हम क्या नहीं कर सकते, उसका टेस्ट हमें आएगा नहीं, यानी जब तक हमारे यानी जो टंग है उसके ऊपर जो लिक्विड चीज़ है वो लिक्विड वहाँ पे नहीं आएगा, तब तक हमें किसी भी चीज़ का क्या नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं और आप ये पढ़ के आए हो, यानी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है दैट कि वो जो लिक्विड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, सलीवा कहा जाता है या फिर सलाइवा कहा जाता है, राइट। जो लिटरली हमें यानी चीज़ों को एक तरीके से सॉफ्टन करने में, चबाने में, एज वेल एज उनका टेस्ट हमारे टंग पे महसूस करने के लिए हमें क्या करता है, हेल्प करता है। और फिर यू कैन सी इन दिस मैग्नीफाइंग ग्लास के जो काफ़ी सारी यानी हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर टाइनी क्या देखने को मिलते हैं, बम्प्स देखने को मिलते हैं। नाउ अब यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट के लिए वेजिटेबल्स दैट यू कैन इजीली डू बाय योर ओन, राइट। सो ये इसके बाद नया टॉपिक है, राइट, च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंट। अब यहाँ पे एक तरीके से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करती है उसके लिए यानी एक तरीके से आपको नॉलेज दिया गया या फिर इन्फॉर्मेशन दी गई है, राइट, दैट कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने को अच्छी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, च्यू करना चाहिए, मीन्स चबा के खाना चाहिए, राइट। और फिर जिससे जो खाना हम खा रहे हैं वो इजीली क्या हो जाए, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। क्यों ऐसा, बिकॉज के अगर जो चीज़ हम खाते हैं वो अगर अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी तो तरह तरह की डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो द रीज़न वाई हमें हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है और एक तरीके से लॉन्गर लाइफ हमें क्या करनी है और हेल्दी लाइफ स्पेंड करनी है, तो डेफिनेटली हमें हमारे जो हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसके ऊपर तो कॉन्सेंट्रेट करना ही है, उसका तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है दैट कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से चबा के खाए ताकि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जिसको चबाने से उसका क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म क्रिएट होता है, राइट। सो और उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, वो इजीली हमारी बॉडी क्या कर सके एब्जॉर्ब कर सके, राइट। सो इस वजह से हमें खाने को क्या करना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, च्यू करके खाना चाहिए, राइट। सो
अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च्यू इट वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली? व्हाई डू यू थिंक दिस से दिस? राइट, तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिया कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि चीज़ों को अच्छी तरीके से चबा के खाना चाहिए और आराम से खाना चाहिए. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा, व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो ईट? यानी जब हम एक बाइट लेते हैं तो बहुत बड़ा पीस होता है, राइट, लेकिन फिर जब हम उनको उसको क्या करते हैं, ग्वावा को चबाते हैं, तो उसके जो टाइनी टाइनी पर्टिकल्स या फिर टाइनी टाइनी हम पार्ट्स कर देते हैं खाने के लिए, ताकि वो इजीली हमारी बॉडी में एंटर हो जाए. सो थिंक व्हाट डज द सलीवा इन आवर माउथ? सो सलीवा एक तरीके से लिक्विड है जो हमारे यानी माउथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, एक तरीके से हेल्पफुल रहती है. नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अब यहाँ पे वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रोडपट? अब जब आपने यानी ये क्वेश्चन पूछा यानी ये चीज़ पढ़ी थी तब आपको पता ही है दैट कि किस तरीके से हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करती है, वर्क करती है. तो उसके जो पार्ट्स हैं आपकी ड्राॅइंग के हिसाब से, तो मैं आप लोगों को यानी दिखाता चलता हूँ, राइट. सो लेट्स सी दैट पिक्चर. Now here you can see, right, number वन mouth, यानी जो खाना खाते हो सबसे पहले mouth में जाता है, फिर उसके बाद teeth चबाते हो. salivary glands जिसमें यानी जो खाने पीने की चीज़ें वो liquid material through हमारे यानी interior part में जाती है. pharynx, right, यानी जहाँ पे हम एक तरीके से taste को महसूस कर सकते हैं, यानी वो एक तरीके से उसे नीचे पहुँचाने का काम करते हैं, right. Now esophagus, राइट, फिफ्थ नंबर. सिक्स नंबर लीवर. सेवन स्टमक, यानी जो खाना है वो फेरिंग्स के बाद एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस के बाद लीवर, लीवर में से स्टमक, स्टमक में से पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. सो हमारी जो पूरी की पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरीके से वर्क करती है. अब वो कहाँ पे क्या होता है वो भी मैं आपको बताते चलूँ. नाउ हियर यू कैन सी माउथ ब्रेक्स अप द फूड पार्टिकल्स असिस्ट इन प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज. यानी जो माउथ है जनरली हमें बोलने में भी हेल्प करता है, इवन जो खाने पीने की चीज़ें हम खाते हैं उसको चबाने में भी हमारी हेल्प करता है, राइट. नाउ उसके बाद नंबर टू स्लेवरी सलीवरी ग्लैंड्स. सलीवरी मॉइस्चर्स एंड ल्यूब्रिकेट्स द फूड, एनालाइज, डाइजेस्ट पॉलीसेचराइड्स. यानी वो एक तरीके से चीज़ों को सॉफ्टन करती है नीचे यानी खाना ले जाने के लिए. फेरिंग्स खाने को निगलने के लिए. एसोफेगस ट्रांसपोर्ट फूड, उसको फूड को यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं. फिर उसके बाद वर्क आता है स्टमक लीवर का, और ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, स्टोर्स विटामिन आयन, डाइजेस्ट डिस्ट्रॉयज ओल्ड ब्लड सेल्स, डिस्ट्रॉयड पॉइजन्स, बायोलाइट्स एंड डाइजेशन. यानी यहाँ पे जनरली जो खाना हमने खाया हुआ है उसको क्या होता है, ब्रेक्स होता है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं विटामिन्स के, वाइटामिन्स या फिर विटामिन्स के फॉर्म में, वो हमारी बॉडी को मिलते हैं. स्टमक में क्या होता है, जनरली जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वहाँ पे स्टोर्स होती है. फिर उसके बाद यानी आता है पैनक्रियास, यानी तो उसका वर्क भी यहाँ पे दिया गया है. हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, यानी जो हमारी बॉडी का जो एक ग्लूकोज लेवल जिसे एक तरीके से कहें देन एनर्जी लेवल, राइट, वो यहाँ पे खाने पीने से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो यहाँ पे एक तरीके से स्टोर होता है या फिर वो रेगुलेट करता है. नाउ फिर जब जो खाना है वो कहाँ पे जाता है, राइट, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पेनक्रियास से लार्ज इंटेस्टाइन. सो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रीऑब्जर्व होता है, राइट. यानी थोड़ा बहुत जो रीऑब्जर्व सम वाटर एंड आयंस
फॉर्म्स एंड स्टोर्स फेसेस। तो अभी भी यानी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स है और जो कुछ भी यानी वाटर वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो सॉरी एब्जॉर्ब होता है, स्टोर होता है एक तरीके से, या फिर वो अपने अंदर ले लेते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर यानी लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होने के बाद कुछ चीज़ें बच जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, देन वहाँ में उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी यानी जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर लास्ट में वो कहाँ पर जाता है, रेक्टम में जाता है, स्टोर्स एंड एक्सपल्स फेसेस, यानी जहाँ पर एक तरीके से सारा का सारा जो एक तरीके से वेस्ट है, राइट, वेस्ट में से भी अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़रूरी है वो, और नहीं तो फिर लास्ट में वो एनस थ्रू यानी ओपनिंग फॉर एलिमिनेशन ऑफ फेसेस। सो एक तरीके से रेक्टम में यानी जो बिल्कुल ही बिन जरूरी चीज़ें हैं, राइट, वो वहाँ पे लेटरिन आप कह सकते हो, वो वहाँ पे स्टोर होती है, और फिर लास्ट में जब हाजत होती है, राइट, तब एनस थ्रू यानी एज लेटरिन वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है, राइट। सो दिस टू पिक्चर्स यू कैन सी, राइट। नाउ सो हमने यानी एक तरीके से पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम तो देख ली, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है या फिर हमें क्या क्या फील होता है, तो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों के, जिससे हमें पता लगता है देख के अगर हमें भूख लगती है तो क्या क्या होता है और किस तरीके से हम फील करते हैं, राइट। सो यू ऑल आर नोइंग अबाउट दिस। नाउ हम मूव करते हैं, नीटू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। तो यहाँ पे आपने यानी पढ़ के आया ही हो, राइट, कि नीटू को क्या हुआ था, पूरे दिन वॉमिटिंग हो रही थी, राइट, सो और लूज मोशन यानी डायरिया हो गए थे, राइट, तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो क्या हो गई थी, वीक हो गई थी यानी डिजी फील कर रही थी। सो उसके बाद डॉक्टर ने उसको क्या कहा, दैट के उसको क्या देने की ज़रूरत है, ग्लूकोज देने की ज़रूरत है, राइट। देन जो नीतू होती है उसको पता नहीं होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम सी वॉज गिवन ग्लूकोज, राइट, इन द हॉस्पिटल। सो उसको तो ये लगता है दैट के ये तो वही ग्लूकोज है जो जनरली हम क्या करते हैं जब खेलते हैं तब हमें दिया जाता है, राइट। सो she needs to be given a glucose drip. Hearing this, Neetu got confused. She knew that during the games period in school, the teacher sometimes gave them glucose to drink. But what was a glucose drip, right? तो यहाँ पर glucose drip क्या है? Then यहाँ पर doctor जो है वो glucose drip के बारे में explain कर रहे हैं। So your stomach is upset, your body is not keeping any food and water, and it has become very weak. The glucose drip will give you some strength quickly, even without eating. So हमें जब यानी हम बीमार होते हैं, जब हमारी पूरी बॉडी में से यानी एक्सेसिव वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है या फिर कम हो जाता है, तो या फिर हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, राइट, किसी भी वजह से, स्वेट की वजह से हो, चाहे यानी वॉमिटिंग के थ्रू हो या फिर डायरिया हो जाए, राइट, तो फिर हमें क्या दिया जाता है, ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है, जिससे हमें तुरंत ही एक तरीके से क्या मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। नाउ यहाँ पे एक पोएम दी गई है, मार्टिन्स विंडो, राइट, तो जैसा कि पोएम में यानी एक तरीके से बतलाया गया है दैट के मार्टिन कौन था और किस तरीके से यानी उसका जो एक स्टमक है वो क्या बन गया था, विंडो बन गया था, और किस तरीके से डॉक्टर को पता लगा दैट के डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट, लेकिन फिर भी एक स्टोरी देख लेते हैं, दैट स्टोरी ऑफ अ स्टोरी, अ स्टमक विथ अ विंडो, यानी एक ऐसा स्टमक जिसमें क्या है, विंडो है, तो विंडो वो नहीं जो यूजुअली हमारे घर पे होती है, राइट, तो पोएम में जिस तरीके से बतलाया गया है आप पोएम को रीड कर सकते हो, राइट, बिकॉज ऑफ रिविजन आई एम नॉट रिसाइटिंग दैट पोएम। सो यहाँ पे भी एक शॉर्ट में स्टोरी जो आपने यानी एक्सप्लेनेशन के टाइम में डिटेल में पढ़ ही ली है,
1822 में मार्टिन नाम का एक जो सोल्जर है वो क्या हो जाता है, उसको शॉट किया जाता है यानी उसको गोली लग जाती है। तो फिर जो डॉक्टर ब्योमोंट है राइट, वो उनको उनके पास यानी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं राइट। तो फिर डॉक्टर ब्योमोंट जो है वो क्या करते हैं, मार्टिन के स्टमक को देखते हैं, तो उसका जो यानी जिसको जहाँ पे लगा हुआ होता है तो वो सिर्फ हील हो गया होता है, लेकिन वहाँ पे जो एक पतली सी जो क्या होती है स्किन होती है राइट, उससे उसको यानी आप ओपन करके वो सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, एक तरीके से फ्लैप यानी उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो राइट, दैट यू कैन सी इजीली इन दिस पिक्चर। सो डॉक्टर ब्योमन के लिए ये जो स्टमक है वो एक तरीके से ट्रेजर था, यानी उनके उनके हाथ तो जैसे खजाना लग गया था। यानी इससे पहले डॉक्टर्स को इवन साइंटिस्ट को यानी पता नहीं था राइट, दैट के जो फूड हम खाते हैं या फिर जो खाना वो लोग खाते थे वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता था। सो डॉक्टर ब्योमन ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, तो वहाँ पे उनको पता चला दैट के जो हमारी स्टमक है उसमें क्या होते हैं, कुछ जूसेस होते हैं राइट। जो जूसेस जनरली हमारी यानी बॉडी में यानी हमारे जो हम जो खाते हैं उस खाने को यानी डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कुछ जूसेस को मार्टिन के स्टमक में से निकाल दिया, फिर उसको क्या कर दिया, बाहर रख दिया, और फिर अराउंड 8:30 को उन्होंने यानी वो क्या लिया, 8:30 को वो जो कुछ खाने पीने की जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो किस में डाली, एक ग्लास में डाली, 10 मिलीलीटर्स ऑफ द जूस उसका जो लेवल है वो बतलाया गया है, और वो जो टेम्परेचर है वो 13°C जो टेम्परेचर उस टेम्परेचर में रखा। व्हेन ही चेक दैट टू पी एम ही फाउंड दैट द पीसीज ऑफ फिश हैड डिसॉल्व, तो सुबह 8:30 बजे जो चीज़ उन्होंने रखी थी एक ग्लास में, तो 2 बजे देखा तो वो जो पीसेस ऑफ फिश थे वो ऑलमोस्ट क्या हो गए थे, डिसॉल्व मींस कि वो पूरी तरीके से गायब हो गए थे, एब्जॉर्ब हो गए थे। सो डॉक्टर ब्योमन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्ट रखा यानी चालू रखा। फिर उसके बाद ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड, और वही खाना जब मार्टिन को दिया गया तो वो कितने टाइम में क्या होता है स्टमक में डाइजेस्ट होता है वो उन्होंने एक तरीके से ऑब्जर्व किया, और उनके ऑब्जर्वेशन से एक टेबल उन्होंने बनाया है जो आप अच्छी तरीके से ध्यान से देख सकते हो राइट। जो अनबॉयल मिल्क है वो जो स्टमक में था वो उसको यानी एब्जर्व होने में कितना टाइम लगता है, 2 hours and 15 minutes लगती है। तो और इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस यानी जिस ग्लास में डॉक्टर ब्योमन ने क्या रखे थे, डाइजेस्टिव जूसेस रखे थे, वहाँ पे वही खाने को एब्जॉर्ब होने में क्या लगता है डबल टाइम लगता है, 4 hours and 45 minutes। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो इसके बाद डॉक्टर ब्योमन ने कहा दैट के डॉक्टर ब्योमन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन, ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, यानी हमारी बॉडी में जो खाना है वो जल्दी यानी क्या होता है डाइजेस्ट होता है कंपेयर टू अगर वो डाइजेस्टिव जूसेस को कहाँ पे रख दिया, एक ग्लास में रख के उसमें खाना डाल दे उसके कंपेरिजन में। सो अब यहाँ पे है कि हमारा जो स्टमक है वो चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट, यानी स्टमक में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी जगहों पे जैसे फूड जाता है तो वो स्टमक में ही उसको क्या करते हैं, चर्न्स करते हैं, यानी एक तरीके से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है या फिर उनके जो पीसेस है वो स्मॉलर से स्मॉलर करते हैं, उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इस तरीके से राइट जो डॉक्टर ब्योमन है उनका जो एक एक्सपेरिमेंट है वो फेमस रहा, एंड डॉक्टर ब्योमन्स एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स राइट। सो व्हाट डिड यू से, यानी जो एक्सपेरिमेंट किए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को गोली लगाई होगी, लेकिन जो कुछ भी बॉडी उनके पास आती तो उनको उनका वो क्या करते थे, अच्छी तरीके से स्टडी करते थे। सो और ऐसा भी नहीं है देखिए जो पेशेंट उनके पास आता है देन उसका उसके उसके स्टमक को वो ओपन करके देखते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने दूसरी जो दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आर बॉडीज, दूसरी जो अदर साइंटिफिक वेज है उनके उसकी उन्होंने स्टडी की।
So that's all for this chapter. I just hope that all your concept and all your queries have been clear after seeing this video. So इस video को ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, कहीं कहीं जगह पे slightly fast है, लेकिन वो भी इसी वजह से that के उन चीज़ों को आपके उन चीज़ों के बारे में आपको already knowledge है ही, right? So thank you very much. राइट फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली. और अभी भी कुछ क्वेरी है देन आप कमेंट में मुझे कह सकते हो, राइट, और कमेंट कर सकते हो. थैंक यू अगेन एंड हैव अ नाइस डे.